करिश्मा में का 5 से 8 हजार रुपया पांच से आठ करिश्मा हजार का रुपया फ्लैट सिंगल आप रूम। डिस्काउंट दे रहे हो, हाँ इतना कम से कम डाउन पेमेंट कम से देकर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैठने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों जैसा कि आप टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए हो कि आपका भाई आज आपको किस टॉपिक पे आज मैं जानकारी देने वाला हूं। मैं हूं अभी बिहार के डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय के देव मोटर्स जो कि हीरो मोटोकॉर्प का शोरूम है। यहां मैं आपके लिए लाया हूं आज एक्सट्रीम 125 आर का ये टॉप मॉडल है एबीएस वाला। तो इससे बाइक के लोन संबंधित मैं आज मैं इस शोरूम के श्याम भाई से आपका जो भी लोन प्रोसेस डिटेल्स होता है वो टोटल क्वेश्चन मैं आज आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम है हमारे वीडियो पे श्याम भाई। तो ये बता दी आपकी ये जो हीरो एक्सट्रीम 125 एबीएस मॉडल जो है जो टॉप वेरियंट आता है एक्सट्रीम 125 आर का, इसका अभी करंट प्राइस क्या पड़ रहा है? इसका 1,21,350 रुपया 1,21,350 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस। ठीक है, इतना कम से कम डाउन पेमेंट कम से हीरो एक्सट्रीम 125 एबीएस मॉडल में कोई भी लेके जा सकता है। कम से कम 13 से 15 हजार कीजिएगा डाउन पेमेंट पे, 13 से 15 निकल जाएगा जी। 13 से 15 हजार हो जाएगा, 13 से 15 हजार। तो भाई साहब देखो अभी यहाँ मैं आप लोगों को पूछ के स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहा हूँ, 13 से लेकर 15 हजार के बीच में आप हीरो एक्सट्रीम 125 डाउन मिनिमम डाउन पेमेंट देकर के आप लेके जा सकते हो। ईएमआई अगर कोई बंदा 2 साल के लिए ले रहा है, साल भर के लिए ले रहा है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म का मतलब 48 महीने के लिए ले रहा है, तो उसमें सेक्शन बाय सेक्शन कैटेगरी बाय कैटेगरी क्या इसका ईएमआई बैठेगा? पर मंथ बैठेगा 3,300 से 3,500 का। 3,300 से लेकर 3,500 का जी, इतना कम? जी इतना कम है। मतलब कि डाउन पेमेंट भी 13 से 15 हजार के बीच में ले रहे हैं, 3,300 से लेकर 3,500 के बीच का पर मंथ का ईएमआई भी जा रहा है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैठने वाला? रेट ऑफ इंटरेस्ट यही 10 से 12%। 10 से 12%। मतलब कि अगर वो कॉलेज स्टूडेंट है, जॉब नहीं कर रहा जी, अगर उसको बाइक चाहिए और उसका उम्र 21 साल नहीं हुआ जी, तो वो कॉम्प्लिकेंट लगा कर ले सकता है भाई? जी ले सकते हैं, हो जाएगा कॉम्प्लिकेंट लगा के। तो कॉम्प्लिकेंट लगा करके आप हीरो एक्सट्रीम 125 अगर आप स्कूल कॉलेज या फिर ट्यूशन वगैरह जाने के लिए आप एक मोटरसाइकिल ढूंढ रहे जो कि स्टाइलिश हो और माइलेज भी आपको देते हैं, पावर भी देते, तो हीरो एक्सट्रीम 125 आप कंसीडर कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में क्या लाना होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, 2 फोटो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, दो फोटो। ठीक है, अब मान लीजिए वो यहाँ के निवासी नहीं, स्थानीय निवासी नहीं जी, वो अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट से आकर के यहाँ जॉब कर रहे हैं और बतौर किराएदार कहीं रह रहे हैं जी, तो उस फेज में उनका डॉक्यूमेंट क्या होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और जहाँ पे रह रहे हैं उनका रेंट क्या एग्रीमेंट चाहिए। रेंट एग्रीमेंट चाहिए ना? तब वो बोलेंगे भाई मेरे पास रेंट एग्रीमेंट तो रूम ऑनर नहीं दे रहे हैं जी, तो मेरे पास ये क्या बोलते गैस कनेक्शन जी, तो गैस कनेक्शन का भी आप प्रूफ ले सकते हैं? जी हाँ ले सकते हैं। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, गैस कनेक्शन भी वैलिड है ना? जी वैलिड है। तो अगर आप बतौर किराएदार कहीं रह रहे हैं, जिस फ्लैट में जिस घर में आप बतौर किराएदार रह रहे हैं वो आपको रूम एग्रीमेंट मतलब कि किराएदार का जो एग्रीमेंट होता है वो आपको नहीं देने को तैयार है, तो अगर इस फेज में अगर आपके पास गैस कनेक्शन भी है तो ये बाइक आप ले सकते हैं। जी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, चेक बाउंसिंग चार्ज क्या है? चेक बाउंसिंग चार्ज वही आप ईएमआई अगर जमा नहीं किए, अगर आपके अकाउंट में है हाँ, किसी वजह से वो बाउंस कर गया हाँ, तो आप ईएमआई जमा करने के लिए मेरे शोरूम पे आके विजिट करके ईएमआई भी जमा कर सकते हैं। जमा कर सकते हैं ना? तो मान लीजिए कभी कभी होता है कि किसी जो बंदा आपके शोरूम से बाइक लोन पे लिया जी, उसके अकाउंट में पैसे तो हैं हाँ, लेकिन जानबूझ करके टेक्निकल एरर के कारण उनका पैसा डिडक्ट होकर नहीं कटा हाँ, तो भाई उस फेज में आप उनको क्या सुविधा दोगे? यही गलती उनकी तो नहीं है, गलती बैंक की है। अगर वो आदमी किसी अदर स्टेट में है तो मेरे फोन पे द्वारा भी फोन पे भी भेज सकते हैं, उनका ईएमआई कट जाएगा। आप स्लिप यहाँ से भेज दो डॉक्यूमेंट। चलो ये तो बहुत बढ़िया। एक चीज आप और बता दो कि अगर कोई आपके हीरो की कोई भी बाइक, मैं एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, कोई भी बाइक लेने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो हीरो की करिश्मा हो गई फ्लैगशिप मॉडल या फिर एक्सट्रीम 125 आर या फिर 160 आर या फिर ये हीरो की मैवरिक हाँ, या फिर वो देख सकते अभी न्यूली लॉन्च हुई है हार्ली डेविडसन 450, तो कोई अदर ब्रांड की मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं, यामाहा की लेकर आ रहे हैं, बजाज की लेकर आ रहे हैं, केटीएम की लेकर आ रहे हैं, समझ गए, तो वो एक्सचेंज करना चाह रहे हैं हाँ, हो जाएगी तो एक्सचेंज में बोनस क्या मिलेगा? एक्सचेंज में बोनस वही आपको पॉइंट द्वारा चढ़ाया जाता है बोनस के लिए, ठीक है? आप एक्सचेंज करवाइएगा, उसका वैल्यू लगाया जाएगा, वैल्यू लगा के जितना आप जो गाड़ी लीजिएगा उसका डाउन पेमेंट करके वो गाड़ी आपको दिया जाएगा ना। तो एक होता है ना एक्सचेंज बोनस, अगर अपर सेगमेंट की मोटरसाइकिल ला रहे हैं, जैसे हार्ली खरीदने के लिए आ रहे हैं या फिर करिश्मा लेने के लिए आ रहे हैं, तो यामाहा की अगर R15 लेकर आ रहे हैं, केटीएम की अगर ड्यूक वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस क्या? एक्सचेंज बोनस जैसे करिश्मा अगर कोई एक्सचेंज में करिश्मा ले रहा है, इसका करिश्मा का क्या रहेगा? इसका करिश्मा का 5,000 रुपया कम से कम एक्सचेंज बोनस मिलेगा, एक्सचेंज बोनस जी। और ये एक्सट्रीम 160 आर का, इसका भी 5 से 8 हजार रुपया। 5 से 8 हजार रुपया एक्सट्रीम 125 आर इस पे नहीं है, इस पे नहीं है एक्सचेंज बोनस नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट मैंने पूछ के बता दिया। और मैं कि भाई आपके शोरूम पे ऑफर्स वगैरह आपके भरमार आई हुई है जी, क्या
एक्सट्रीम 160 का है, इसमें 5 से 8 हज़ार रुपया का डिस्काउंट चल रहा है। 5 से 8 हज़ार का डिस्काउंट, एक्सट्रीम 125 इसके सर ये डिस्काउंट है, एसेसरीज में हम लगा देंगे आपको। एसेसरीज में आप एसेसरीज में सीट कवर, हेलमेट, डिक्की ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, और करिश्मा में डिस्काउंट क्या है? फ्लैट करिश्मा में का 5 से 8 हज़ार रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं। मेरे यहाँ टीचर का भी ऑफर चल रहा है, जिसमें से स्कूटर पे 4 हज़ार का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, इस पे सुपर स्प्लेंडर पे 3 हज़ार का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, एक ग्लैमर पे भी 3 हज़ार का डिस्काउंट चल रहा है जी, वो एच एफ डिलक्स लगा हुआ है सर, उसपे भी 3 हज़ार का डिस्काउंट चल रहा है। 3 हज़ार का डिस्काउंट जी, इस पे 3 हज़ार का, और ये स्प्लेंडर प्लस है, इस पे 1500 का डिस्काउंट चल रहा है। 1500 का ना जी, इस पे ये पैशन प्लस है, इस पे भी 1500 का डिस्काउंट चल रहा है। 1500 का डिस्काउंट, तो ये सारे ऑफर्स अभी आपके शोरूम में ऑन द गो जी, ऑन द गो चल रहा है ना। हाँ, तो ये सारे ऑफर्स के साथ आप लाभ, इन ऑफर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, इनका टोटल डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार यहाँ पे हीरो प्रोडक्ट्स रिलेटेड आप कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये टोटल चीज मैंने आपको पूछ के बता दिया। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, जैसे कि जिसकी बाइक 15 साल से ऊपर हो गई, 16 साल 17 साल की वो मोटरसाइकिल, समझ गए, वो एक्सचेंज में आपको हीरो की एक्सट्रीम 125 में वो एक्सचेंज में ला रहे हैं, तो वो क्या वो वैलिड होगी? हाँ, वैलिड हो जाएगी। मतलब क्यों, पेपर 16 साल से ऊपर की गाड़ी है? हाँ, हो जाएगी वो। हो जाएगी, हाँ, हो जाएगी वैलिड, आप कर दोगे। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट आउट करके एक चीज मैंने बता दिया, जो जेन्युइन क्वेश्चन होते कस्टमर के वो मैंने अभी पूछ के बताया। कुछ छूट गया तो शोरूम का सारा डिटेल, फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जो कि 125 सीसी की हो, लुक वाइज बहुत ही आपको देखने में बवाल लगे, और कहीं भी लेके जाओ आपका भौकाल टाइट रखे, माइलेज भी अच्छा खासा हो, रीसेल वैल्यू भी हो, साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स का जो झंझट होता है ना मेरे दोस्त, उसके सरदर्दी से आपको आज़ादी दिलाए, तो हीरो एक्सट्रीम 125R जो मैंने कम्प्लीट इस वीडियो में दिखाया ब्लैक कलर में, ये आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसी नोट पे करते हैं खत्म वीडियो को। वीडियो चली गई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिव फ्री, राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड। जाते जाते इस बाइक का इंजन साउंड आप लोग सुन लीजिए, बाइक किस तरह साउंड क्रिएट करती है, फिर अपन लोग वीडियो को खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे।